देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू किए जाने पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अपराध करने वाले अपराधी कहीं भी हो, उनको दंडित करना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि आज देश में अपराधियों को दंड नहीं दिया जा रहा है, बल्कि राजनीतिक व्यक्ति को कैसे नीचे दिखाया जाए, इसी में सत्ता पक्ष के अधिकांश लोग लगे हुए हैं। जगदानंद सिंह ने आगे कहा कि अभी ये कानून आया है, इस पर समीक्षा करनी होगी। आजीवन कारावास हो, अभी लोगों के सामने यह स्वीकार करके लागू किया गया है, इसके गुण दोष पर विचार करने का अभी मौका आया है। और अपराध कोई भी करे, अपराधी हो, उसको दंडित होना चाहिए। वैसे देश में आज के दिन अपराधियों को दंडित नहीं किया जा रहा है, राजनीतिक व्यक्तित्व को कैसे नीचे गिराया जाए, उसी में अधिकांश प्रयास हो रहे हैं। फिर भी जो यह नया कानून लागू हुआ है, सबों के सामने आएगा, समीक्षाएं होंगी, उस पर लोग बहस करेंगे। यदि उसमें गुण दोष पर अभी कोई बात करना समय से पहले है, क्योंकि सबके सामने यह बहस के लिए आया नहीं था, इसलिए इस कानून पर अभी विस्तार से कुछ कहना मुश्किल है। सर, एक आखिरी सवाल है, नीट परीक्षा में इतने बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, खबरें लगातार चल रही है, क्या कहेंगे? नीट और नेट परीक्षा में लगातार धांधली हो रही है सर, इसको लेकर कौन सी है? नीट परीक्षा पेपर लीक मामले से। अरे, नीट परीक्षा संस्थागत करप्शन है, और पूरे भाजपा और जद्दी के लोग गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र से लेके उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक इसमें इन्वॉल्व है। अब अंतिम चरण में क्या ये लोग करेंगे, इनको तो फुर्सत ही नहीं।